निरामय ध्यान विधियों में आप सभी का स्वागत। प्रत्यक्ष ध्यान करने के पूर्व एक अंतिम बात मैं आपसे कहूं, ध्यान दैनंदिन व्यवहार में, रोज के आपाधापी में, दिन भर के कामों में और जीवन में सफलता पाने हेतु बहुत ही सहायभूत है, जरूरी है। कोई समझ लेगा कि ध्यान तो मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा भगवान पे विश्वास नहीं है, मैं ईश्वर को मानता नहीं, इसके लिए मैं ध्यान नहीं करूंगा। तो भैया एक बात मैं आपसे कहूं कि ध्यान का और ईश्वर का ना कोई कभी संबंध था और ना कभी रहेगा। आपको पैसे कमाने हैं, आपको नाम कमाना है, आपको कीर्ति सुकीर्ति चाहिए, यश चाहिए, इसलिए मन का स्वस्थ होना, मन एकाग्र होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ध्यान करना है। किसी ईश्वर के प्राप्ति के लिए, किसी भगवान के प्राप्ति के लिए हमें ध्यान करना नहीं है। ध्यान कोई धार्मिक या आध्यात्मिक बात नहीं है, ध्यान आपाधापी को सहने के लिए, मन को एकाग्र करने की कला सीखने के लिए, रोज के कामों में यश प्राप्त करने के लिए और तनाव मुक्त जीवन के लिए जरूरी है। ध्यान का अंतिम उद्दिष्ट तो परम ज्ञान है, लेकिन सबका यही उद्दिष्ट हो ये कोई जरूरी बात नहीं है। आप ध्यान कर सकते हो एकाग्रता के लिए, आप ध्यान कर सकते हो दैनंदिन जीवन में सफलता पाने के लिए, आप ध्यान कर सकते हो अच्छा पैसा कमाने के लिए, हमारा जो जीवन है वो आज से ज्यादा बेहतर हो, आज से ज्यादा सुखी हो, आज से ज्यादा समाधान पूर्वक हो, इसलिए हमें ध्यान करना है। ध्यान से कोई आत्मज्ञान की या कोई ईश्वर की या कोई आत्मा की या कोई परमात्मा की और उसके मानने की हमें जरूरत नहीं है। ईश्वर को ना मानने वाला भी तनाव का उतना ही शिकार हो जाता है जितना ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति होता है। आप आत्मा माने, आप परमात्मा माने या नहीं माने, तनाव तो आता ही है, विकार तो उत्पन्न होते ही है, चिड़चिड़ापन तो उतना ही आता है कोई ईश्वर को माने या ना माने, कोई आत्मा को माने या ना माने। शरीर मन अस्वस्थ होता ही है। आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, आप सिख है, आप ईसाई है, कौन से भी धर्म के आप हो, व्याधि तो सबको आनी ही है। व्याधि ये तो देख के नहीं आती कि आप हिंदू है या मुस्लिम है, तनाव ये तो नहीं देख के आता कि आप सिख है या ईसाई है, स्ट्रेस को सबको फेस करना ही है, व्याधियों को सबको फेस करना ही है। ये फेस करने की बात जो है वो आसान बन जाए, वो हम आराम से कर सके। दैनंदिन जीवन में अड़चने तो आने वाली ही है, मुसीबतों का सामना हर एक को करना ही है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। तो जीवन जीने की कला, तनाव मुक्त जीने की कला अगर आनी है तो ध्यान करना है। ईश्वर से, आत्मा से, परमात्मा से, जात पात से, धर्म से ध्यान को जोड़ना नहीं है, ध्यान उससे अलग है।